हेलो इमाम। अच्छा तुम लोग आ गए हो, मैं आ रही हूँ। तो इन सब तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? आप ही तो कहा करती हैं बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। ये देखिए, आपने तो मुझे बिल्कुल ही लाजवाब कर दिया। आज मैं बड़े दिनों के बाद मिठाई खाऊं। अम्मी जी आप भूल गई, नो शुगर। आप भूल गई आज मेरा चीट डे है तो मैं खा सकती हूँ। जी जी आप जरूर खाइए, जितना दिल चाहे खाइए। आपको फिर से एक दफा मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। जुनेद और अशरफ भाई नहीं आए? हाँ वैसे इमाम आप जुनेद को साथ क्यों नहीं लाई? आप दोनों ने आना था, जुनेद के मेहमान आ रहे थे, मैंने उसे घर भेज दिया। सफिया बहन अकेली थी घर पे, वैसे भी आपको पता है चोरी डकैती होती है शादी ब्याह वाले घर में। ठीक कह रही हैं आप। फिर ऐसा करते हैं अतिया कि हम दो चार दिन में एक अच्छा सा डिनर अरेंज कर लेते हैं इमाम और जुनेद की शादी की खुशी में। अच्छा इसी बहाने हमें मिल बैठ कर बातें करने का मौका मिल जाएगा। जी जी जरूर इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक हैं? जी ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन तुम्हारी मुबारकबाद मुझे कबूल नहीं। क्यों, मेरी मुबारकबाद में मीठा कम है या खलूस? मुझे तुमसे शिकायत है, तुमने नूर का गिफ्ट वापस क्यों किया? हाँ बेटा वैसे गिफ्ट वापस करना कुछ मुनासिब बात नहीं है। मैम वो नूर का गिफ्ट बहुत महंगा था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। आपका गिफ्ट, अतिया का गिफ्ट मैंने रख लिया। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा अम्मी, हम आपकी खुदारी देखकर। चलो खैर भाई, छोटी-छोटी बातें, ये बातें तो फिर होती रहेंगी। ये बताओ कि तुम स्कूल कब ज्वाइन कर रही हो दोबारा? बस एक दो दिन में मैम। अच्छा भाई, हमारा स्कूल में बहुत सन्नाटा हो गया तुम्हारे लिए होने से, तो बस जल्दी से आ जाओ इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग मिठाई तो लेना,